ओवरऑल मेरा तजुर्बा काफी अच्छा रहा। इसकी वजह ये है कि एक तो कल्चरल वाइज अगर हम देखें तो टर्की हमसे बहुत करीब है, इसके अलावा यहाँ के लोग बहुत वेलकमिंग है। और जब मैं यहाँ पे आई तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, जो पहला हफ्ता होता था तब तक मैंने अपने बैग्स नहीं खोले थे, इसलिए कि मैंने इरादा कर लिया था मुझे वापस जाना है, क्योंकि जबान का एक प्रॉब्लम होता है, इसके अलावा खाने का टेस्ट डेवलप करना। लेकिन 3 दिन के बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ इतनी अच्छी लगने लगी, और यहाँ के लोग क्योंकि काफ़ी हेल्पफुल थे, टीचर्स बहुत हेल्पफुल थे, तो एक आदत हो गई, तो इस वजह से मैं कहूँगी मेरा तजुर्बा बहुत अच्छा रहा। आहिस्ता आहिस्ता करके जुबान भी आ गई, खाने भी मजे के लगना शुरू हो गए, और उसके बाद प्रोफेसर्स के साथ भी दोस्ती हो गई, और अपने इर्द गिर्द के मुआशरे में भी लोगों से दोस्ती हो गई। तो बस वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है, क्योंकि ये मुल्क ऐसा है, ये मुल्क आपको गले लगाता है। बड़े खुशाइन बात है जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं ओवर द ईयर्स तकरीबन इस वक्त 4,500 तक उनकी तादाद पहुँच चुकी है मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में, और उनमें से कुछ लोग स्टूडेंट्स जो हैं इस पर स्कॉलरशिप्स पे भी आते हैं। जो मिशन है हमारा अंकरा में एम्बेसी है और कॉन्सुलेट पाकिस्तान है इस्तंबुल में, तो हम हर वक्त अपने स्टूडेंट्स की, अपनी कम्युनिटी की, और अपने जो भी लोग यहाँ पर ट्रेवलर्स हैं उनकी खिदमत पर मामूल रहते हैं। मुझे लगता है जहाँ पे तलबा नहीं आते हैं उनको लगता है कि शायद उनको यहाँ पिक करने शायद लाइक एयरपोर्ट पे स्कॉलरशिप वाले आते होंगे, लेकिन उनको थोड़ा ही प्रिपेयर होकर आना चाहिए कि यहाँ पे उनको लैंग्वेज इशू हो सकता है। और हमेशा उनके पास मैं रिकमेंड करूंगी कि वो अपने पास ऑफलाइन डिक्शनरी रखें, टर्किश टू इंग्लिश, इंग्लिश टू टर्किश, और ऑफलाइन मैप रखें, क्योंकि कहीं पर उनको जरूरत पड़ सकती है इस चीज़ की। आज हमारा प्रोग्राम था ये तुर्की की गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप, जिसको हम यतेबे की स्कॉलरशिप देते हैं, उस पर आने वाले बच्चे हैं, और जो यतेबे का गवर्नमेंट तुर्कीश गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है वो आने वाले तमाम बच्चों को हर साल वेलकम करता है, हत्ता कि आपको एयरपोर्ट से लेकर आपके जो डॉर्मेट्रीज हॉस्टल्स होते हैं वहाँ पे ड्रॉप किया जाता है, उसके बाद जो इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम्स होते हैं उसके जरिए बच्चों को वेलकम किया जाता है, और तीसरे तौर पर यहाँ पे तुर्किया के अंदर हमारी स्टूडेंट सोसाइटीज़ मौजूद हैं और उन सोसाइटीज़ की तरफ से भी तलबा को वेलकम किया जाता है।